हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी एग्जाम। फ्रेंड्स, मैं यूपी ट्रिपल एस सी एनम प्रीवियस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर के आया। फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है, पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें लिखा है कि ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है। ए है सीबीएसएस ग्रंथि, बी है श्वेत ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि या डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। सेकंड पॉइंट दिया है, गर्भावस्था की वह टाइम पीरियड जिसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, पढ़े इसका आंसर बताएं। इसमें लिखा है कि गर्भावस्था की वह टाइम पीरियड जिसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहा जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। थर्ड पॉइंट दिया है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा पेल्विक का हाईएस्ट डायमीटर है। ए है एंटीरियर पोस्टीरियर, बी है एंटी ए लेटरल एंड सी है ऑब्लिक्यू एंड डी है ऑल। निम्न में से कौन सा पेल्विक का हाईएस्ट डायमीटर है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फोर्थ पॉइंट है, इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फ्रेंड्स, से पढ़े इसका आंसर होता है। ऐसे पूछा है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ए है 2 सप्ताह, बी है 12 सप्ताह, सी है 24 सप्ताह, डी है 40 सप्ताह। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 12 सप्ताह। फिफ्थ पॉइंट है, निम्न में से कौन सा एक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। सिक्स पॉइंट दिया है, गर्भावस्था के सेकेंड ट्रिमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। ए है एमनोरिया, बी है क्विकनिंग, सी है वॉमिटिंग एंड डी है एनोरेक्सिया। गर्भावस्था के सेकेंड ट्रिमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है क्विकनिंग। दिया फ्रेंड, पार्टोग्राफ की सर्वप्रथम योजना बनाई। फ्रेंड्स, से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा है कि पार्टोग्राफ की सर्वप्रथम योजना बनाई। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। एट्थ पॉइंट में पूछा फ्रेंड कि संचारी रोग यानी कॉम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। नाइन्थ पॉइंट है, नवजात की लंबाई 2 गुना कब होती है। ए है 9 मंथ, बी है 2 ईयर्स, सी है 6 मंथ एंड डी है फोर्थ ईयर। नवजात की लंबाई 2 गुना कब होती है। फ्रेंड से पढ़े इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। टेंथ पॉइंट दिया है फ्रेंड, नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन विस्तार क्या है। फ्रेंड से पढ़े इसका राइट आंसर। से पूछा है कि नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन विस्तार क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। इलेवेंथ पॉइंट है, नवजात शिशु का साधारण श्वसन दर कितना होता है। फ्रेंड से पढ़े इसका आंसर बताएं। से पूछा है कि नवजात शिशु का साधारण श्वसन दर कितना होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। ट्वेल्थ पॉइंट दिया है फ्रेंड,
मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए? 6 घंटे, बी है 8 घंटे, सी है 12 घंटे एंड डी है 24 घंटे। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 13 पॉइंट है फ्रेंड, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? फ्रेंड से पढ़े इसका आंसर था, इसमें पूछा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन है, ए है विटामिन सी, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई एंड डी है विटामिन के। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है विटामिन के। 15 पॉइंट दिया है, नाक से खून आने को क्या कहते हैं? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि नाक से खून आने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 16 पॉइंट दिया है, बीज के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर क्या पाया जाता है? बीज के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर ए है। 17 पॉइंट है फ्रेंड, मेरुदंड के पीछे की ओर वाली वक्रता को क्या कहते हैं? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि मेरुदंड के पीछे की ओर वाली वक्रता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 18 पॉइंट दिया फ्रेंड, बहुमूत्रता का क्या तात्पर्य है? इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि बहुमूत्रता का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 19 पॉइंट दिया फ्रेंड, पेशेंट को सर्जरी के तुरंत पहले रिलैक्स रखने के लिए प्रदान की गई ड्रग कौन सी है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि पेशेंट को सर्जरी के तुरंत पहले रिलैक्स रखने के लिए प्रदान की गई ड्रग कौन सी है? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 20 पॉइंट दिया है, यकृत रोग के रोगी को क्या लेनी चाहिए? ए है अधिक वसा वाला भोजन, बी है कम वसा वाला भोजन एंड सी है कम रेसो वाला भोजन एंड डी है इनमें से सभी। यकृत रोग के रोगी को क्या लेनी चाहिए? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, कम वसा वाला भोजन। अगर ये वीडियो फ्रेंड पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।